Subscribe and press the bell icon for latest update. न्यूज़ एक बार फिर से मैं अपना खास प्रोग्राम राजस्थान दंगल लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। और इस बार जिस खबर को लेकर मैं आपसे आपको बताऊंगी उस खबर के बारे में, उस खबर ने वसुंधरा राजे को भी बहुत हैरत में डाल दिया है। साथ ही बात करूंगी आगामी उपचुनाव को लेकर, साथ ही बात करूंगी राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। लेकिन अभी बात करूं अगर आगामी उपचुनाव जो कि 29 जनवरी को होने वाले हैं उसको लेकर वसुंधरा राजे डर रही हैं। जी हां, राज्य की मुख्यमंत्री, राजस्थान की मुख्यमंत्री राजे को लग रहा है डर, और डर की वजह है फिल्म पद्मावत। जी हां, फिल्म पद्मावत को लेकर पहले ही वसुंधरा राजे ने कह दिया था कि फिल्म राज्य में रिलीज नहीं होगी। लेकिन बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि एक साथ सभी राज्यों में फिल्म पद्मावत रिलीज होगी। इसके बाद इस पर करणी सेना का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कहा है साफ साफ कि फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने साफ साफ कहा बेंच दूसरी भी जगह जाएंगे लेकिन फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे। इसके बाद अब वसुंधरा राजे के लिए मुश्किलें खड़ी होती भी नजर आ रही हैं, क्योंकि करणी सेना ने जिस तरह से हल्ला बोला है वो बीजेपी के लिए आगामी उपचुनाव थोड़ा सा मुश्किल कर सकते हैं। क्योंकि वहां पर अगर वोटिंग प्रतिशत की बात करूं, राजपूतों की आबादी की बात करूं, तो वो घटनाक्रम वो प्रतिशत कहीं ना कहीं बीजेपी के वोटिंग प्रतिशत में सेंध लगा सकता है और इस बार चुनाव हार सकती है, यानी आगामी उपचुनाव हार सकती है वसुंधरा राजे की सरकार। हालांकि राजे बहुत कोशिश कर रही हैं, ताबड़तोड़ हर जगह जा रही है। जैसे सचिन पायलट जो कांग्रेस के वहां पर प्रदेश अध्यक्ष हैं, वहां लगातार लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं, जनसंवाद स्थापित कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, और लगातार कह रहे हैं कि चार साल के कार्यकाल में वसुंधरा राजे ने कुछ नहीं किया है, अब जनता उनको सबक सिखाएगी। और उपचुनाव में क्या हमारी सरकार राजस्थान के विधानसभा चुनाव के बाद भी आएगी, यानी कि पूरी तरह से आश्वस्त है, पूरी तरह से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस बार राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आएगी और राजस्थान में जो आगामी उपचुनाव होने वाले हैं उन्हें राजस्थान विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। तो ऐसे में ये तो लोकसभा की 2 सीट और विधानसभा की 1 सीट पर कौन सी पार्टी परचम लहराएगी फिलहाल ये तो आगामी 29 जनवरी के बाद देखने को मिलेगा जब रिजल्ट सामने आएंगे। जिस तरह से फिल्म पद्मावत को लेकर राज्य में बहुत बवंडर मचा हुआ है, वसुंधरा राजे को बहुत डर लग रहा है, उसी डर की वजह से वो फैसले नहीं ले पा रही है कि आखिर वो क्या करें। अगर वो राज्य में फिल्म रिलीज होने देती हैं तो कहीं ना कहीं ये सरकार के लिए बहुत बड़ा पेच साबित हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने तो हरी झंडी दिखा दी है, तो ऐसे में वसुंधरा राजे बीच का कौन सा रास्ता निकालती हैं कि करणी सेना भी नाराज ना हो, उनका वोटिंग फीसद बरकरार रहे, साथ ही फिल्म भी रिलीज हो जाए। यानी कि फिल्म रिलीज यानी पद्मावत उनके लिए सबसे बड़ी चिंता बन चुकी है फिल्म। और ऐसे में अगर वसुंधरा राजे फैसला नहीं कर पाती हैं और अगर फिल्म रिलीज हो जाती है तो वाकई सूबे में सरकार के लिए अच्छे संकेत नहीं होंगे। हालांकि मैं बार बार आपसे कह रही हूँ सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दिखा दी है, तो अब फिल्म एक साथ रिलीज होगी। और इसके साथ ही आपको ये अहम जानकारी दे दूं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा इन राज्यों में बैन की गई थी फिल्म, लेकिन अब इन सभी राज्यों में एक साथ यानी बाकी राज्यों के साथ इन राज्यों में भी फिल्म एक साथ रिलीज होगी। और सरकार ने ये भी कहा और कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो भी इसके रिगार्डिंग जो भी राज्य में बातें होंगी, जो भी वहां पर कानून व्यवस्था संभालना राज्य सरकार का दायित्व है वो संभालेंगे कि फिल्म को रिलीज होने के बाद क्या वहां पर होता है। जैसा कि करणी सेना ने धमकी दी है फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे, फिल्म 1 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी लेकिन विवाद के बाद उस समय यूपी निकाय चुनाव के मैंडेट आने वाले थे, गुजरात और हिमाचल के रिजल्ट आने वाले थे, इससे फिल्म की रिलीजिंग को टाला गया। ऐसा कहा गया था कि दिसंबर के बाद फिल्म रिलीज होगी, लेकिन टलते टलते आखिरकार 25 जनवरी को फिल्म रिलीज होगी। और आज 20 जनवरी है, तो ऐसे में यानी कि 4 दिनों का फासला है और 25 जनवरी को फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक दे देगी। अब 4 दिनों में वसुंधरा राजे को ऐसा कुछ करना है जिससे राज्य में उनकी सरकार पर कोई दोहमत ना लगे, जो उनसे नाराज हो रहे हैं राजपूत समुदाय वो उनसे कन्नी ना काटें, क्योंकि इसके लिए अब वसुंधरा राजे के लिए मुश्किलें बहुत खड़ी हो रही हैं और वो खुद नहीं समझ पा रही हैं कि आखिर फैसला क्या करें। इसलिए वो पहुंच गई हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के पास और उनसे कहा है कि आप कुछ करिए, यानी कि वसुंधरा राजे को
साफ साफ मालूम हो रहा है कि अगर पद्मावत को लेकर उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई तो उनकी सरकार का गिरना तय है, यानी कि सरकार उनकी आगामी उपचुनाव में, और माफी चाहूंगी, राजस्थान विधानसभा चुनाव जो कि साल के अंत में होने वाले हैं, वहां भी मुश्किल में आ सकती है। क्योंकि इसकी प्रमुख वजह ये है कि राजस्थान में 8-10% राजपूत आबादी रहती है, यानी कि कम से कम अगर रिपोर्ट्स की माने, रिपोर्ट्स का हवाला दें तो 7-8 लाख आबादी है राजस्थान में राजपूतों की। और लोकसभा की अगर बात करूँ, बीते लोकसभा की, तो 25 सीटें लोकसभा की आती हैं, जिसमें से 3 राजपूतों को टिकट दिया था बीजेपी ने और 9 जाटों को टिकट दिया था। तो ये थोड़ी पुरानी बात है और थोड़ा सा लीक से हटकर है, लेकिन आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसमें राजपूत समुदाय शामिल है। और राजपूत समुदाय में कहा जाता है कि 3 राजपूतों को टिकट दिया था साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने, जबकि 9 टिकट जाटों को दिया था। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात तो ये सामने आ रही है कि कहीं ये चीज़ भी भारी ना पड़ जाए। और जब चीज़ें कहते हैं, जब मुश्किलें आती हैं तो चारों तरफ से आती हैं, तो ऐसे में ये भी हो सकता है कि पद्मावत के साथ साथ राजपूत समुदाय उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर दे, यानी कि बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दे। हालांकि राजपूत समुदाय का एक धड़ा जो है, वो वहाँ पर कई समुदाय हैं, तो एक धड़ा उनसे मिला है वसुंधरा राजे से, उन्होंने साफ साफ कहा कि हम आपके ही साथ ही हैं। और जो भाजपा के खिलाफ समुदाय आक्रोशित हो रहे हैं, हल्ला बोल रहे हैं, वो बीजेपी के किसी नेता के इशारों पर कर रहे हैं। अभी हाल ही में एक राजपूत समुदाय का जो है वो मिला है वसुंधरा राजे से। तो ऐसे में अब मैंने बात की थी आपसे कि वसुंधरा राजे अब फिल्म को लेकर बहुत डर रही हैं कि फिल्म रिलीज हो गई तो क्या होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 8-10% आबादी है राजस्थान में राजपूतों की, और 7-8 लाख वहाँ पर राजपूत हैं। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि अगर वहाँ पर जिस तरह से कि अगर फिल्म रिलीज होती है, और जो खेमा इसके विपक्ष में है फिल्म रिलीज के, तो ऐसे में अगर फिल्म रिलीज होती है तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। और इसी बात को समझते हुए अपने वोटिंग समीकरण को बनाए रखने के लिए वसुंधरा राजे ने अमित शाह से मुलाकात की है। मैं आपको खबर दिखाऊंगी आखिर खबर क्या है यहाँ पर, कि पद्मावत विवाद में वसुंधरा राजे की शाहचाल, और जाने क्या है ये देख सकते हैं आपकी ये राजस्थान में आगामी उपचुनाव में कांग्रेस को समर्थन करने का ऐलान कर चुके राजपूतों को साधने के लिए भाजपा ने फिर से प्रयास प्रारंभ कर दिया है। पद्मावती विवाद में हल की संभावनाओं का हवाला देते हुए राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की है। और जानकारी के अनुसार वसुंधरा राजे समाज के संतों में, कल उन्होंने अजमेर के केकड़ी गई थी, वो वहाँ उन्होंने मुलाकात की है। और राजे ने संतों को आश्वस्त किया है कि इस विषय पर कानूनी राय ली जाएगी और सरकार उचित प्रयास करेगी कि फिल्म रिलीज ना हो, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, लेकिन अब वसुंधरा राजे इस पर कानूनी राय लेंगी कि फिल्म को कैसे रिलीज होने से रोका जाए। और ये देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कई राजपूत संगठनों ने भाजपा की केंद्र व राज्य सरकार पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया था। हालांकि इससे पहले भी जो राजस्थान के पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं, जो राजस्थान के गृह मंत्री हैं गुलाब चंद्र कटारिया, राज्य गृह मंत्री हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विधिक परीक्षण कर उचित निर्णय लेने की बात कर चुके हैं, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है अब उस पर कानूनी राय ली जाएगी कि आखिर उसको और किस तरीके से उसको हैंडल किया जाए और फिल्म को रिलीज ना किया जाए। यानी कि वसुंधरा राजे का साफ मकसद है कि फिल्म रिलीज नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो जो उनसे राजपूत समुदाय नाराज हो रहा है वो उनके लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। और मैं आपको इसमें एक खबर दिखाना चाहूँगी जो सोशल मीडिया पर आई थी, मैं उसमें से बताऊंगी कि इसमें आखिर ऐसा क्या है जो वसुंधरा राजे के लिए थोड़ी सी मुश्किल खड़े कर सकता है, संकट का सबब साबित हो सकता है। कि इसमें आप देख सकते हैं, इस समय देश में लगभग 40 राजपूत सांसद हैं, जिनमें से बीजेपी से 38, 2 उड़ीसा में बीजू जनता दल से हैं। ये सिद्ध करता है कि देश भर में राजपूतों ने मोदी के नाम पर बीजेपी को ही एक तरफा समर्थन किया था। ये बात आप समझिए कि राजपूतों ने एक तरफा समर्थन पीएम मोदी को किया है, यानी उन्होंने किसी और पार्टी को वोट नहीं दिया, ये इस बात को दर्शाया गया है। पर बीजेपी में राजपूतों को वो सम्मान नहीं मिला है जिसके वो हकदार थे। यहाँ पे ये लिखा है, ये देख सकते हैं आप कि गुजरात में राजपूत समाज कि 15% से भी अधिक वहाँ पर भागीदारी है, लेकिन अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में 8-10% राजपूत आबादी है। इतनी ही संख्या राजपूतों की उपजातियों की भी है जो सदियों से भगवा झंडा थामे हुए हैं। यहाँ तक कि कई जगह कायम खानी मुस्लिम राजपूत भी बीजेपी को ही समर्थन करते हैं, मगर उन्हें मिला क्या ये आप देख सकते हैं। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि बीते लोकसभा चुनाव यानी कि
साल 2014 में भाजपा ने 25 में से सिर्फ 3 राजपूतों को टिकट दिया था, जबकि जाटों को 9 टिकट दिए थे। और राजपूत समाज आज जनसंघ के जमाने से बीजेपी का झंडा थामे हुए हैं और बीजेपी की रीढ़ की हड्डी रहा है। और जाट हमेशा से ही कांग्रेस समर्थक रहे हैं और राज्य में लगभग 28 राजपूत विधायक और मात्र 3 सांसद हैं। और जसवंत सिंह जैसे महान नेता को अपमानित कर उनका टिकट काट दिया। और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे निरंतर राजपूतों की अनदेखी और सिर्फ जाट हित की राजनीति कर रही हैं। यानी कि साफ साफ बयान हो रहा है कि वसुंधरा राजे का डरना बिल्कुल लाजमी है, जिस तरह से उन पर आरोप लगाया जा रहा है कि वो वहाँ पर जाट हित की राजनीति करती हैं और राजपूत समुदाय की हितैषी बनने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनके पास उनके 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 लिए उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ऐसा कोई रवैया नहीं अपनाया जिससे राजपूतों को ये लगे कि वसुंधरा राजे ने हमारे लिए कुछ किया है। और उसमें साफ साफ ये भी लिखा है कि एक तरफा वोट करते हैं, यानी कि राजपूत समुदाय सीधे सीधे बीजेपी को वोट करते हैं और वो कहीं ना कहीं उनके सबसे बड़ा आधार है, सबसे बड़ा वोटिंग बैंक भी है राजपूत। तो ऐसे में अगर राजपूतों को निराश करती हैं फिल्म अगर रिलीज हो जाती राज्य में तो कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे के लिए बहुत बड़ी एक मुश्किल हो जाएगी। और ऐसे में वसुंधरा राजे को साफ साफ तौर पर जिस तरह उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की है वो जाहिर कर रहा है कि उन्हें बहुत डर लग रहा है और वो डर रही हैं कि अगर ऐसा हो जाता है तो वोटिंग फीसद जो वोटिंग समीकरण जिस आधार पर उन्होंने राज्य की सत्ता पाई है उस सत्ता पर कहीं ना कहीं वो कांग्रेस को काबिज ना होने दें। यानी कि राजपूत का अगर वो खेमा जो अभी तक उनके साथ रहा था अगर वो खेमा कांग्रेस के साथ चला जाता है तो मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं वसुंधरा राजे और खुद पीएम मोदी और अमित शाह के लिए। यानी कि पूरा कुल मिलाकर कहा जाए भारतीय जनता पार्टी के सितारे गर्दिश में जा सकते हैं। 25 जनवरी को फिल्म रिलीज होने वाली है, उससे पहले कुछ ना कुछ करना होगा, अन्यथा हो सकता है कि आगामी उपचुनाव पर इसका असर साफ दिखाई दे। लेकिन जिस तरह से राजपूत समुदाय, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहाँ कई राजपूत समुदाय हैं उसमें से एक खेमा भाजपा को समर्थन कर रहा है, तो इसका अगर दूसरा पक्ष देखा जाए तो हो सकता है कि आगामी उपचुनाव पर इतना असर ना पड़े। लेकिन सियासत में कभी भी कोई भी घटनाक्रम सामने आ सकता है तो मुश्किल नहीं है। तो ऐसे में अब क्या करेंगी वसुंधरा राजे और अमित शाह, क्या इसका हल निकालेंगे, फिलहाल इससे जुड़ी अपडेट नहीं आई है। लेकिन साफ साफ मालूम हो रहा है कि वसुंधरा राजे के लिए फिल्म पद्मावत उनके लिए संकट का सबब बन गई है। फिलहाल अब देखना होगा कि राजे क्या फैसला करती हैं। तो दर्शकों, आज के खास प्रोग्राम राजस्थान दंगल में बस इतना ही। कल फिर से एक अहम मुद्दे को लेकर मैं आपके सामने आऊंगी, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।